बात कोरोना संक्रमण की करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के 28 में से 26 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 465 नए मरीज मिले हैं। एक शख्स की कोविड से मौत हो गई। इसी के साथ पॉजिटिविटी दर बढ़ चुकी है 3.58% के आसपास ही बनी हुई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा संख्या 81 और रायपुर में 77 मरीजों में कोविड का संक्रमण पाया गया है। राजनांदगांव में 45 मरीज मिले हैं। इधर बलौदाबाजार में 22 और जांजगीर चांपा में 36 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में यह आंकड़ा 17 है। कोरबा में 22 और सरगुजा में 15 मरीज मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के 2834 एक्टिव केसेस हैं। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करते हैं। संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, 28 में से 26 जिले जहां कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और इसी के साथ अगले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डाले तो 465 ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा 28 में से 26 जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ गए हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। लगातार जो कोरोना संक्रमित के आंकड़े हैं उसमें इजाफा हो रहा है। यदि हम बात करें तो पिछले दो रविवार में बस कोरोना के आंकड़े 100 के पार हुए थे, लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल डेज हैं जैसे सोमवार से लेकर शनिवार तक कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात हम यदि करें तो वो आंकड़े 400 से पार रहते हैं। कल की हम बात करें, बीते 24 घंटे में 465 कोरोना मरीज जो हैं वो सामने निकल कर आए थे और एक मरीज की रायपुर में जो है कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा चिंता का विषय है। एक्टिविटी दर है कोरोना की वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी हम बात करें तो प्रदेश में 3.45% एक्टिविटी दर है कोरोना की। तो ये इसे लेकर काफ़ी सोचने की बात है कि आखिर लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। हम बात करें तो दुर्ग को हॉटस्पॉट कहा जाए कोरोना का तो गलत नहीं होगा। वहाँ पर अभी तक 526 एक्टिव मरीज हैं, कोरोना के एक्टिव पेशेंट दुर्ग जिले में हैं। और साथ ही साथ रायपुर की यदि हम बात करें तो 519 कोरोना मरीज जो है वो रायपुर में है। तो एक बड़ा चिंता का विषय है जिसे लेकर अब स्वास्थ्य अमले को भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि लोग इसके लिए एक्टिव हो, क्या चालानी कार्रवाई की जाए कि चालानी कार्रवाई से लोग डरें और लगातार जो है वो अपने जो कोरोना के नियम है चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। विभाग की ओर से क्या कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं? हालांकि ये एक राहत की बात कही जा सकती है कि कोरोना अभी इतनी भयावह स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग अभी तक जागा नहीं है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने पहले कई बार दिशा निर्देश जारी किए थे कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और साथ ही साथ जो कोरोना की वैक्सीन है उसे लगाएं। वो केवल और केवल सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही नज़र आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर कहीं पर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। स्वास्थ्य अमला नज़र नहीं आ रहा है। केंद्र के द्वारा भी जो आदेश जारी किए गए थे कि एयरपोर्ट में बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग होगी, साथ ही साथ जो बॉर्डर है छत्तीसगढ़ से जुड़े बॉर्डर है चाहे वो महाराष्ट्र के हों, उड़ीसा के, तेलंगाना के या झारखंड या आंध्रा या और जो राज्यों से आने वाले बॉर्डर है वहाँ पर भी आने वाले जो पैसेंजर हैं, जो कार सवार या ट्रक सवार लोग हैं उनका भी कोरोना जांच होना चाहिए, लेकिन ये कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो दावे और जो बातें हैं वो कागजों पर ही नज़र आ रहे हैं। एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सजग कर रही है कि आप कोरोना नियम का पालन करें, लेकिन ना स्वास्थ्य विभाग इसमें सजग दिख रहा है और ना ही आम लोग जो हैं वो इस पूरे बढ़ते कोरोना को लेकर सजग दिख रहे हैं। आंकड़े उतने बड़े नहीं है, लेकिन रोज जो है आंकड़े 400 से ऊपर आना वो एक चिंता का विषय है। आंकड़े उतने बड़े अभी बढ़ नहीं रहे, 500 तक भी आंकड़े पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित के, पर लगातार इतने संख्या में आंकड़े कोरोना संक्रमित निकल के सामने आना ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे गौरव तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में स्थिति भयावह हो सकती है और ऐसा होने से रोकना जरूरी है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को अब कदम उठाने जरूर पड़ेंगे, इसीलिए लापरवाही ना की जाए ये भी अपील बंसल न्यूज करता है। शुक्रिया आपका गौरव फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको छत्तीसगढ़ के 28 में से 26 जिले जहां कोरोना पहुंच चुका है और 465 नए मरीज
पिछले 24 घंटे में मिले हैं।